हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको चैप्टर 9 पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको एक्सरसाइज 40 तक पढ़ा दिया था। आई होप आप लोगों को वहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 41। ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आज भी हम आपको जो अभी तक हम रिवीजन करा रहे हैं चैप्टर 9 में, सेम वही हमारा रिवीजन आज भी कंटिन्यू रहेगा। यानी कि एक्सरसाइज 41 में भी हमारा रिवीजन ही होगा वोवल इंडिकेशन का, यानी कि हम बिना वोवल पुट किए केवल वोवल के प्लेस के अकॉर्डिंग हम आउटलाइंस बनाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए चैप्टर 9 एक्सरसाइज 41, ठीक। ये जो हमारी एक्सरसाइज, इसमें हमारे तीन पैराग्राफ दे रखे हैं, जिसमें कि देखिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं शॉर्ट हैंड में लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको सेकंड पैराग्राफ डायरेक्टली शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है और इसको मैं रीड करूंगी, ठीक। तो देखिए पहले मैं इसे रीड करती हूँ इंग्लिश में जो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके बाद में मैं आपको इसके शॉर्ट हैंड में लिख के बताती हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए ये मैंने लिखा है, आई हैव सीन योर नोटिस इन टू डेज, इन्वर्टेड कॉमा स्टार इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, एंड I should like to have details of your new master's reading series full stop. I think such a series should make a wide appeal, comma, and I wish you much success with it full stop. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इसको शॉर्ट हैंड में लिखूंगी बिना वोबल पुट के, केवल वोबल का जो हमारा साउंड है उसके प्लेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से इसके आउटलाइंस बना रही हूँ स्टूडेंट्स। देखिए आई हैव सीन, देखिए आई हैव सीन हम एक साथ लिखेंगे, देखिए कैसे, देखिए ये हो गया हमारा आई और ये हैव और इसी में ये बन गया हमारा सीन, ठीक। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा, आई हैव सीन, ठीक। योर देखिए सब जानते हैं किस तरह से बनता है, ये हो गया हमारा योर नोटिस नो टेस, ठीक है ना, ये हो गया हमारा नोटिस इन इन टू डेज। देखिए स्टूडेंट्स टू डेज हम एक साथ लिखेंगे, देखिए किस तरह से, देखिए टू और यहाँ पे हम देखिए सेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा टुडे तो आएगा नहीं, है ना, इन आ रहा है तो हमारा क्या आएगा टू डेज, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार, देखिए स्टार क्या है स्टूडेंट्स हमारा, बोल के देखिए स्टार आ का साउंड आ गया, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है, यानी कि ये जो हमारे स्टार की आउटलाइन बनेगी वो हमारी फर्स्ट प्लेस पे बनेगी, ठीक है। तो देखिए हम किस तरह से बनाएंगे स्टार को, ये हो गया हमारा स्टार का फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फिर कॉमा एंड आई, देखिए एंड आई हमने एक साथ बना दिया, ठीक है। शुड लाइक हमारा एक साथ बनेगा, देखिए किस तरह से, ये हो गया हमारा शुड और ये लाइक, ठीक है। अगर समझ में क्या हो गया स्टूडेंट, शुड लाइक टू हैव, देखिए टू हैव हमने टू हैव एक साथ बना दिया है, डिटेल्स डी ए स, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डिटेल्स ऑफ योर, देखिए ऑफ योर हमारा एक साथ बन गया है न्यू, ये हो गया हमारा न्यू मास्टर्स की आउटलाइन हमारी फर्स्ट प्लेस पे बनेगी। देखिए स्टूडेंट हमारा इसमें क्या आ रहा है, स्टर आ गया ना स्टर, तो जहां पे हमें स्टर का साउंड आता है तो वहां पर हम ये एसटी वाला लूप बनाते हैं बड़ा, यानी कि जो हमारी आउटलाइन होती है उसको हाफ से ज्यादा कवर करता है, ठीक है। मास्टर्स रीडिंग, देखिए रीडिंग में हमें ई का साउंड आ गया, तो ये हमारी आउटलाइन कहां बनेगी स्टूडेंट, थर्ड प्लेस पे, ठीक है। देखिए रीडिंग सीरीज, ठीक है, देखिए सीरीज क्या हो गया हमारा सीरीज, उसके बाद में फुल स्टॉप, ठीक, ठीक है। आई थिंक हम एक साथ बनाएंगे, देखिए आई थिंक सच ए हमारा ए सीरीज शुड मेक, ये हो गया हमारा मेक ए वाइड, ठीक है ना, वाइड हमारा फर्स्ट प्लेस पे बनेगा क्योंकि हमारा देखिए डब्ल्यू के बाद में आई का साउंड आ रहा है, ठीक है ना। डिफ्थोंग का अपील, देखिए अपील हमारा फर्स्ट प्लेस पे बनेगा, ठीक है ना, कि ऑगस्ट हमारा अपील कॉमा
एंड आई विश यू, ठीक है। तो देखिए एंड आई विश यू हम एक साथ बनाएंगे, देखिए किस तरह से, ध्यान से देखिएगा। देखिए एंड आई विश यू, ठीक है, क्लियर। क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारे, एंड आई विश यू मच। मच हमारा फर्स्ट प्लेस बनता है, जब हम चा को फर्स्ट प्लेस बनाते हैं सीएच को, तो उसको हम मच रीड करते हैं। सक्सेस, ये हो गया हमारा सक्सेस। विद इट एक साथ बना देंगे, देखिए हम विद इट, ठीक है, उसके बाद में फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए मैंने आउटलाइंस बनाई है बिना वोवल पुट की, केवल प्लेस के अकॉर्डिंग। अब मैं इनको रीड करूंगी, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से रीड कर रही हूं, ठीक है। देखिए आई हैव सीन योर नोटिस इन टू डेज इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट स्टार। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा स्टार है ये हमारा नाउन है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया ना, नाउन है, तो इसको हम हाइफन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। स्टार कॉमा एंड आई शुड लाइक टू हैव डिटेल्स ऑफ योर न्यू मास्टर्स रीडिंग सीरीज फुल स्टॉप। देखिए हमारा जो है ये देखिए पूरा रीडिंग सॉरी मास्टर्स रीडिंग सीरीज, हमारा ये भी जो है नाउन है, इसको भी हम हाइफन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, फुल स्टॉप। आई थिंक सच ए सीरीज शुड मेक ए वाइड अपील कॉमा एंड आई विश यू मच सक्सेस विद इट फुल स्टॉप। ओके क्लियर, आगे आपको ये समझ में। अब देखिए जो मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ ही मैंने शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ, इसको मैं डायरेक्टली रीड ही करूंगी, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मैनी ऑफ दोज हु हैव सीन माय सेट ऑफ इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, देखिए स्टोरीज ऑफ द अर्थ कॉमा सी कॉमा एंड स्काई इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। देखिए स्टोरीज ऑफ द अर्थ ये हमारा जो है नाउन है, ठीक है, मैंने हाइफन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सी भी नाउन है हमारे यहाँ पे, स्काई है ये भी नाउन है, ठीक। स्पीक हाईली ऑफ इट कॉमा एंड सेवरल कॉमा आई नो कॉमा हैव बॉट सिमिलर सेट्स फॉर देमसेल्व्स फुल स्टॉप। क्लियर, आगे समझ में। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने बिना वोवल पुट की आउटलाइन बनाई है, इसी के अकॉर्डिंग आपको बनानी है, आपको भी ऐसे ही समझना है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाती हूँ। देखिए सर नेक्स्ट पैराग्राफ, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं शॉर्ट हैंड में लिखूंगी, और उससे पहले मैं इसको रीड करती हूँ, ठीक है। देखिए आई एम सॉरी यू हैव अलाउड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट पोस्टर डिजाइनिंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज टू गो आउट ऑफ स्टॉक फुल स्टॉप सच ए बुक कॉमा इट सीम्स टू मी कॉमा शुड हैव ए लार्ज सेल कॉमा एज सो मैनी आर नाउ टेकिंग अप द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट फुल स्टॉप इन व्यू ऑफ दिस कॉमा मे आई सजेस्ट ए न्यू इशू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिख रही हूँ, और बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से लिख रही हूँ स्टूडेंट। देखिए आई एम सॉरी हम एक साथ लिखेंगे, देखिए योगी हमारा आई एम सॉरी, ठीक है, हमने एक साथ बना दिया है आई एम सॉरी यू, क्योंकि हमारा यू हैव अलाउड, देखिए अलाउड में अ का साउंड आ गया, तो हमारा फर्स्ट प्लेस बनेगा ये, ठीक है। देखिए क्योंकि हमारा अलाउड, ठीक, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट पोस्टर, देखिए एस टी आर का लूप आ गया, तो हम पी को हाफ से ज्यादा कवर करेंगे एस टी आर बनाने के लिए, ठीक है। ये हमारा पोस्टर डिजाइनिंग, देखिए योगे हमारा डिजाइनिंग टू गो, उससे पहले देखिए हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो रहा है टू गो, देखिए टू गो, ठीक है, आउट, ये हो गया हमारा आउट। देखिए स्टूडेंट्स आउट हमारा जो बुक में दे रखा है वो हमें केवल इस तरह से दे रखा है कि हमें आउट केवल ऐसे ही बनाना है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, देखिए जब हम आउट बनाएंगे तो इससे पहले हम ये आउट वाला में जो आउ का होता है वो डिपथोंग लगा देंगे, जिससे आपको इसको रीड करने में इजी रहेगा, क्योंकि अगर आप केवल इस तरह से बनाएंगे केवल टी बनाएंगे लाइन को कट करके, ठीक है, तो हम इसको टी भी पढ़ सकते हैं,
ठीक है ना, टी भी हमारा इसी तरह से लिखा जाता है, तो इसलिए हम जब आउट बनाएंगे तो हम टी से पहले ये डिप्थोंग लगा देंगे, ठीक है, जिससे हमें पढ़ने में इजी रहेगा। ओके, ऑफ युगमर ऑफ स्टॉक, ठीक है, फुल स्टॉप। ओके, इतना समझ में आया? आप देखिए आगे, सच योगी हमारा सच, ए बुक, बुक हमारा थर्ड प्लेस पे बनेगा, है ना, थर्ड प्लेस वोबल है हमारा बुक, कॉमा इट सीम्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम इट सीम्स एक साथ बनाएंगे, देखिए योगी हमारा इट और योगी हमारा सीम्स, ठीक, हमने एक साथ बना दिया इट सीम्स। टू मी, देखिए टू और इसी के साथ में हमने बना दिया ये मी, ठीक, तो हमारा एक साथ बन गया टू मी कॉमा शुड हैव, शुड हैव भी देखिए हम एक साथ बनाएंगे, शुड हैव ए लार्ज, लार्ज की शॉर्ट फॉर्म हमने आपको बताई थी, यानी जब हम जे को फर्स्ट प्लेस पे बनाते हैं तो उसको हम लार्ज रीड करते हैं। सेल योगी हमारा सेल कॉमा एज सो मैनी, सो मैनी आर नाउ, देखिए आर नाउ हमने एक साथ बना दिया है। टेकिंग अप द, देखिए टेकिंग अप द भी हम एक साथ बनाएंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरह से, ये हो गया हमारा टेक इंग अप द, क्लियर, क्या बन गया हमारा, क्या टेकिंग अप द स्टडी, हो गया हमारा स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट, देखिए ऑफ दिस सब्जेक्ट हम एक साथ बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे, देखिए ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्लियर, आगे समझ में, ये क्या बन गया हमारा ऑफ दिस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इन व्यू, देखिए इन व्यू, ये क्या बन गया हमारा, इन व्यू ऑफ दिस, ऑफ दिस कॉमा मे आई सजेस्ट, देखिए योगी हमारा सजेस्ट ए न्यू, योगी हमारा न्यू इश्यू क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर, तो ये देखिए मैंने इसको शॉर्ट हैंड में लिख दिया है और बिना वोवेल फुट किए लिखा है। अब मैं इसको रीड करूंगी और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से रीड कर रही हूं। ओके, देखिए, आई एम सॉरी यू हैव अलाउड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट पोस्टर डिजाइनिंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज टू गो आउट ऑफ स्टॉक फुल स्टॉप सच ए बुक कॉमा इट सीम्स मी कॉमा शुड हैव ए लार्ज सेल कॉमा एज सो मैनी आर नाउ टेकिंग अप द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट फुल स्टॉप इन व्यू ऑफ दिस कॉमा मे आई सजेस्ट ए न्यू इशू इन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लियर, आगे समझ में, तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसकी डिक्टेशन देती हूँ। ओके, हो गया नोट, तो देखिए इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 41 कंप्लीट होती है, आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपकी एक एक आउटलाइन बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती, आपको एक एक आउटलाइन बनानी नहीं आ जाती, ठीक है, तो अब देखिए मैं इसकी डिक्टेशन दे रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद में जो मैं डिक्टेशन दे रही हूँ उसको लिखिएगा, उसके बाद में उसको चेक कीजिएगा कि आपकी कितने मिस्टेक्स आ रही है, क्योंकि उसी से ही आपकी शॉर्ट एंड इम्प्रूव होगी। ओके, तो ये डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। I have seen your notice in 2 days, inverted comma start, star, inverted comma close, comma, and I should like to have details of your new master's reading series, full stop. I think such a series should make a wide appeal, comma,
एंड आई विश यू मच सक्सेस विद इट, फुल स्टॉप. नेक्स्ट, मैनी ऑफ दोज हु हैव सीन माय सेट ऑफ स्टोरीज ऑफ द अर्थ कॉमा सी एंड स्काई इनवर्टेड कॉमा क्लोज स्पीक हाईली ऑफ इट कॉमा एंड सेवरल कॉमा आई नो कॉमा हैव बॉट सिमिलर सेट्स फॉर देमसेल्व्स फुल स्टॉप. नेक्स्ट, आई एम सॉरी यू हैव अलाउड पोस्टर डिजाइनिंग टू गो आउट ऑफ स्टॉक फुल स्टॉप सच ए बुक कॉमा इट सीम्स टू मी कॉमा शुड हैव ए लार्ज सेल कॉमा एज सो मैनी आर नाउ टेकिंग अप द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट फुल स्टॉप इन व्यू ऑफ दिस कॉमा मे आई सजेस्ट ए न्यू इशू क्वेश्चन मार्क. ओके, क्लियर? तो देखिए, इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 41 भी कंप्लीट होती है और साथ ही साथ हमारा चैप्टर 9 भी आज कंप्लीट होता है. आई होप आप लोगों को चैप्टर 9 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, उसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. अब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में वोवल्स को शॉर्ट में समझाएंगे. तब तक के लिए थैंक यू.